नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल्मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या आपके हाथ में करोड़पति बनने के शुभ चिन्ह है। अगर है तो काफी भाग्यशाली है। जीवन में हर कोई मेहनत करता है, प्रयास करता है और सफलता की तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन अगर आपके हाथ में ऐसे शुभ चिन्ह होंगे तो आप जीवन में अवश्य करोड़पति बनेंगे। सिर्फ हमने आज चिन्हों की बात की है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। सबसे पहले आज देखते हैं वो चिन्ह क्या है जो आपको सफलता की तरफ लेके जाते हैं, कौन सा वो शुभ साइन है। जैसे कि हम बात करते हैं शुभ चिन्हों की, हाथ में जो शुभ चिन्ह होते हैं, सबसे पहले तो ये हाथ का जो कलर है ये आपका गुलाबी रंग का होना चाहिए। अगर ये गुलाबी रंग का है तो जीवन में सुखों का प्रतीक माना जाता है। और आपकी जो फिंगर्स होती है, उंगलियां, ये सीधी हो और बड़ी हो, और पर्वत का जो उभार है अपने आप में एक आभा लिए हो, अपने आप में एक उठा गेन वाला पर्वत होना चाहिए, तो इन पर्वतों की क्वालिटियां बढ़ जाती हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो बुद्ध की फिंगर और बुद्ध का पर्वत, ये बड़ी होनी चाहिए, पर्वत भी बड़े होने चाहिए। और सूरज का जो पर्वत है इसमें एक सीधी खड़ी लाइन हो, एक सीधी जिसको हम बोलते हैं सूरज की रेखा, ये सूरज की रेखा। जब सूरज की रेखा की बात करते हैं तो एक जीवन का एक महत्वपूर्ण रोल आता है। जीवन में वही आगे सफलता की तरफ बढ़ता है जिसकी सूरज रेखा बड़ी हो। और इसी के साथ जब पैसे की बात हो तो धन रेखा की बात ना हो, ऐसा नहीं होगा। हाथ में धन की रेखा जिसको हम बोलते हैं भाग रेखा प्रबल होनी चाहिए, वो मणिबन से चलकर जो शनि के पर्वत की तरफ जाती हो रेखा, उसी को हम भाग रेखा बोलते हैं। अगर इस पर्वत के स्टार्टिंग में यहां पर एक फिसकी साइन बन जाए, फिसकी साइन बन जाए, तो अगर फिसकी साइन बनती है और यहां से भाग रेखा का निर्माण होता है, भाग रेखा का निर्माण होता है और भाग रेखा बिल्कुल सीधी शनि के मोड़ तक पहुंच जाए, एक सफल और अच्छी भाग रेखा मानी जाती है। ऐसे लोगों का जो उद्गम होता है जीवन के, वो सफलताओं की तरफ बढ़ता है। जब भी बड़े ग्रोथ की बात होती है, करियर की बात होती है, तो एक गुरु के पर्वत के ऊपर एक वर्गाकार बनना चाहिए, वर्गाकार। ऐसे लोग जीवन में उच्च अथॉरिटी पर पहुंच जाते हैं, एक साम्राज्य के मालिक बनते हैं। और इसके साथ एक हॉटलाइन जो हमारे मन के विचारों के बारे में बताती है, वो पूरी गुरु की तरफ देखती हो, और एक मंगल की एक मस्तिष्क रेखा हमेशा, जितनी अथॉरिटी की बात होगी, उच्च पद की बात होगी, तो इन रेखाओं का जो योग होगा बड़ा होना चाहिए और एक जीवन रेखा होनी चाहिए, ये साफ सुथरी होनी चाहिए। और इसी के ऊपर, जीवन रेखा के ऊपर ये रेखाएं जो निकलती हैं, ऊर्ध्वमुखी रेखाएं, ये ऊर्ध्वमुखी रेखा या इसके ऊपर त्रिकोण, जब भी त्रिकोण बनेगी तो आप मकान लेंगे, कार लेंगे, प्लाट लेंगे, है ना,
इन चीजों का निर्माण कर देता है। और इसी के ऊपर जब भी ये प्रोग्रेस की रेखा होती है निकलती है, जीवन में उद्गम को बताती है, जीवन में अग्रसर होने का संदेश देती है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।